जैश ए मोहम्मद द्वारा वादी में सुरक्षा बलों पर हमले के लिए बनाए गए दो वाहन बमों को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई है। साथ ही दक्षिण कश्मीर में पुराने वाहनों को बेचने वालों के अलावा कुछ मैकेनिकों को पूछताछ के लिए तलब किया है। पुलिस चोरी हुए वाहनों की सूची तैयार करने के अलावा 6 माह में पकड़े गए जैश के ओवरग्राउंड वर्करों से भी नए सिरे से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के पास पुख्ता सूचना है कि घाटी में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जैश पुलवामा जैसा बड़ा हमला दोहराने की फिराक में है। इसी साजिश के तहत पुलवामा के आसपास सुरक्षा बलों के काफिले पर कार बम से हमले की साजिश रची थी। इस कार बम को पुलिस ने 28 मई को बरामद कर विस्फोटक से उड़ा दिया था। छानबीन में पता चला कि आतंकियों ने दो और वाहन बम तैयार किए हैं।